जिला चिकित्सालय के सीएमओ कार्यालय में कार्यरत 3 कर्मचारियों के रिटायर्ड होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने रिटायर्ड कर्मचारियों को माला पहनाकर और गीता भेंट कर भावभीनी विदाई दी, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि वर्तमान में 3 लोग जगत नारायण अर्दली, जेपी शुक्ला एआरओ तथा दिलीप श्रीवास्तव एमआरआई सरकारी को विदाई किया गया है। उन्होंने बताया कि यह 3 कर्मठ चहेते कर्मचारी थे। उन्होंने बताया कि इनके जाने से एक ऐसा स्थान रिक्त हुआ है जिसकी भरपाई करने के लिए हमें अपने नियुक्त कर्मचारियों को अधिक ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, दिलीप श्रीवास्तव जी और कार्तिक बने थे, अभी मैं अर्जुन था अपने सारे भाइयों से कि आप लोग तीनों लोगों को माल्यार्पण कर आप तीनों और स्वागत करें तालियों के बीच। दिलीप श्रीवास्तव जी का स्वागत पल है, एक साथ 3 भाई लोगों का स्वागत। एक दिन रिटायर होगा आप लोग, हाँ जाइए और हम लोग भी सजेशन। और नवीन जी जरूर, जिन जिन व्यक्तियों ने नारी का अपमान किया उनको जो है कृष्ण ने दंडित किया। पूरी अगर श्रीमद् भागवत गीता को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही है, जिस जिसने गणेश भगवान आप सभी लोगों को स्वस्थ रखेंगे, सारे लोगों की याद दिलाएंगे। सर के द्वारा आगे थोड़ा आगे बढ़ जाइए, फोटो आ जाए। भैया इनके लोगों के पेपर सब जा चुके कि नहीं? सर इन लोगों के सारे पेपर लगभग लगभग पूर्ण है और इन लोगों को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा सर। हाँ तो मैं कहूँ खाली बैग दे रहे हो? कर्मचारियों का मॉनिटरिंग जो है किस तरह से करते हैं, यह जो है कर्मचारियों का मॉनिटरिंग के लिए एक मॉनिटरिंग रजिस्टर बनाए थे और उस मॉनिटरिंग रजिस्टर से जो है हम सभी लोग आज जो आया है वो निश्चित रूप से उसकी तिथि निर्धारित है, उस तिथि पर जाएगा। इसमें रिटायर होना नहीं महत्वपूर्ण रहा, महत्वपूर्ण बात इसमें ये होती है कि आप इस मंच पर अपने किरदार को कितनी अच्छी तरीके से निभाया है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरा भी तो कार्यकाल बहुत ही कम दिन का है, कुल संभवता है मैंने 8 तारीख को ज्वाइन किया था और 22 दिन का मेरा कार्यकाल है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारा जग का नारायण चला गया कार्यालय, आप लोगों के साथ रहेगा और आप लोगों का हमेशा शुभेच्छ ही रहेगा। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों का साथ हमारा जो 22 दिन का रहा ये अभिजी और हम करनी है और मैं इसके लिए आजीवन आप लोगों का ऋणी रहूँगा। पवित्र ग्रंथ का सार कहता हूँ कि उस पवित्र ग्रंथ को मैंने सैकड़ों बार पढ़ा है लेकिन मुझे इस चौपाई में पता नहीं कौन सा ऐसा आकर्षण दिखा जिसका मैं सहयोग करता हूँ। पार ब्रह्म परमेश्वर सकल रूप सिया राम, जो आए हैं इस बार पर सबको सीता राम। Thank you.
देखिए आज हमारे कार्यालय से लगभग 10 लोग रिटायर हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का फेयरवेल आज उनकी उपस्थित न होने के कारण उनका नहीं हुआ है। अभी जो वर्तमान में 3 लोग हुए हैं, एक जग नारायण जी हैं, दूसरे जो हैं केपी शुक्ला जी हैं और तीसरे जो हैं दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, इनका फेयरवेल किया गया है। बाकी अन्य लोग जैसी उपलब्धता होगी इस पर हम लोग करेंगे। और ये तीनों लोग हमारे एक अत्यंत कर्मठ कर्मचारी थे और इनके जाने से निश्चित रूप से हम लोगों के यहाँ एक ऐसा स्थान रिक्त हुआ है जिसकी भरपाई करने के लिए हमने अपने अधीनस्थ कर्मियों को अत्यधिक ट्रेनिंग और उसे देना पड़ेगा। जिसमें हमारे जग नारायण जी जो हैं ये हमारे अर्दली थे, केपी शुक्ला साहब हमारे एआरओ थे और दिलीप श्रीवास्तव साहब जो थे हमारे इम्यूनाइजेशन अधिकारी थे।